फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई और फिर बच्चे के जन्म से कुछ महीने पहले ही अपने पार्टनर संग सात फेरे लेने का फैसला लिया। कुछ माह पहले ही अभिनेत्री नयनतारा शादी के चार माह बाद ही जुड़वा बच्चों की मां बनी। वह सरोगेसी तकनीकी के जरिए मां बनी है, जबकि उनसे पहले भी ऐसे तमाम एक्ट्रेस है जो शादी से पहले ही मां बनने की प्लानिंग शुरू की थी। वाइल्ड डॉग में अपनी एक झलक दिखला चुकी अभिनेत्री दिया मिर्जा भी शादी के पहले प्रेग्नेंट थी। बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी करने के चार महीने बाद से ही वे मां बनने को लेकर खूब चर्चा में रही। आपको बता दे, दिया और वैभव की ये दूसरी शादी थी। शादी के चार महीने बाद दोनों ने पहले बच्चे का बेटे के रूप में स्वागत किया। हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी बेहतरीन एक्ट्रेस कोंकणा सेन का नाम भी उन एक्ट्रेसेस में शामिल है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। कोंकणा सेन ने अभिनेता बॉयफ्रेंड रणवीर शोरी से सितंबर 2010 में शादी की थी। शादी के छह महीने बाद कोंकणा ने मार्च 2011 में एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन साल 2020 में दोनों का तलाक हो गया। सारिका हसन कमल हसन की पहली पत्नी है और वे भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। बाद में उन्होंने कमल हसन से शादी की और फिर श्रुति हसन का जन्म हुआ था। सेलिना जेटली ने पीटर हाक से शादी के आठ महीने बाद खूबसूरत जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसका मतलब है कि सेलिना अपनी शादी के समय जुड़वा बच्चों के साथ एक महीने की गर्भवती थी। साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली श्रीदेवी के शादी के तुरंत बाद मां बनने की खबरें न सिर्फ इस दौर में सुनने को मिल रही, बल्कि 80 के दशक में भी ऐसी ही खबरों ने इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया था। जब अभिनेत्री श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी, तब वह सात महीने की गर्भवती थी। इस बात को खुद एक्ट्रेस ने भी एक इंटरव्यू में माना था। RRR में रामचरण की वाइफ का रोल निभाने वाली आलिया भट्ट भी शादी से पहले रणबीर कपूर से प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उन्होंने शादी के सात माह बाद ही बेटी राहा को जन्म दिया था और उस वक्त अभिनेत्री पर खूब जोक्स बने थे। ये नाम हर किसी को चौंकाने वाला लगा।